हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। तो आज हम बनाएंगे मीठी दलिया। ये बहुत ही हेल्दी है और साथ साथ टेस्टी भी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बच्चों को सर्व कर सकते हैं, ये उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। ये दलिया ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है क्योंकि ये हेल्दी भी है और इसे खाने से जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और ये ठंडक भी पहुँचाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मीठी दलिया बनाने के लिए हम सबसे पहले कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेते हैं और उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इन सभी को हम भूनेंगे जब तक इनका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह से ड्राई फ्रूट को भून के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ साथ खुशबू भी आती है। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स का पहले से काफ़ी कलर चेंज हो गया है, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। और अब इसी बचे हुए घी में ही हम ये दलिया को भी भूनेंगे। ये मैंने 1/2 कप दलिया ली है। दलिया को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो इस तरह इसे लगातार हम चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल्दी इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन इसमें वो उतना टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये देखिए, जब दलिया का इस तरह से कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे पानी। मैं लगभग 1 कप के करीब पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे हम 5-6 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि ये दलिया फूल जाए। ये देखिए, दलिया पहले से काफ़ी फूल गई है। जब ये पानी को इस तरह से एब्जॉर्ब कर ले तब इसमें हम डालेंगे दूध। मैं यहाँ 2 से 2.5 कप के करीब दूध ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं इसे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इस तरह से चलाते हुए हम कुक करेंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। ये देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब इसे हम धीरे धीरे ऐसे ही पकने देंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। जैसे हम चावल की खीर बनाते हैं वैसे ही हमें इसे बनाना है। सेम वैसे ही हमें ये गेहूँ की खीर भी बनाना है। ये देखिए, ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है। जब ये इस तरह से थिक हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। मैं इसमें 1/2 कप के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं इसे। मीठा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी मीठा आपको पसंद हो। आप चीनी की जगह इसमें धागे वाली मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, वो केमिकल फ्री होती है और वो शरीर को ठंडक भी पहुँचाती है, तो आप इसकी जगह उसे भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है और इसमें फिर से उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेते हैं इन सभी को अच्छे से और 2 मिनट इन्हें हम और पका लेते हैं। ये देखिए, हमने मीठी दलिया को 2 मिनट और पका लिया है। आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे चलते हैं फटाफट से सर्व करने। तो ये हमारी डिलीशियस सी दलिया बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है और साथ साथ हेल्दी भी है, तो आप इसे मॉर्निंग में फटाफट से बना के सर्व कर सकते हैं। इससे जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और शरीर को ठंडक भी मिलती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे।